अस्सलाम वालेकुम। मैं आज क्रिस्पी थ्रेड चिकन बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये कट कर दिया है बारीक बारीक। ये समोसा शीट मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा इसका क्रिस्पी थ्रेड चिकन बना लेती हूँ। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। इसको इसी तरह से बारीक बारीक काट लें। अभी आप लोग आगे देखना कि ये कैसे यूज़ होगा। इसलिए मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। तो ये चिकन 250 ग्राम से ज़्यादा होगा, मतलब पाव किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये चिकन, उसके लिए मैं मैरिनेट कर रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था हरी मिर्ची, तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, काफ़ी हरी मिर्ची थी तो मैंने उसको पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर लिया था। तो मैंने 3 क्यूब्स ले लिया है। और ऐसे मेरे पास नींबू भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसका पूरा लेमन जूस पूरा निकाल के उसका रस मैंने उसको फ्रीज़ कर लिया था, तो मैंने थोड़ा सा लेमन जूस लिया है, तो इतना लिया है क्वांटिटी। बस 3 क्यूब हरी मिर्ची का लिया है, वो तो आपके ऊपर है जितना आपको स्पाइसी चाहिए। और ये नींबू लिया है मैंने। और मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लिया है मैंने। और ये रेड चिली पाउडर, मैंने हरी मिर्ची लिया है इसलिए मैं थोड़ा सा कम डालूंगी। तो मैंने हरी मिर्ची लिया है इसके लिए मैं लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। और 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी। ये गरम मसाला मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप लोग के पास वाइट पेपर पाउडर है तो आप लोग डालिए, अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बस थोड़ा सा लूंगी मैं। और धनिया पाउडर लूंगी मैं। ये मैंने बस इतना सा धनिया पाउडर लिया है। बस जीरा पाउडर लिया है, बस ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा जीरा पाउडर लिया है मैंने। किचन किंग मसाला, अगर आपके पास है तो आप लोग डालिए, मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और इसमें एजिनोमोटो या कोई भी टेस्ट मेकर ऑप्शनल है, या तो एरोमेट पाउडर डाल दीजिए, बट मेरे पास ये मिक्स्ड हर्ब है तो मैं बस थोड़ा सा ये मिक्स्ड हर्ब डालूंगी कि टेस्ट आ जाए बस इसका। और वो अंडा आप लोग देखिएगा ज्यादा लिक्विड टाइप ना हो तो उसी हिसाब से डालना है। अभी मैं इसको 1 अंडा डाल के देखूंगी, फिर इसको मिक्स करूंगी, तब उसके बाद पता चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप रहेगा तो मैं दूसरा अंडा नहीं डालूंगी। इसके लिए मैं डाल रही हूँ। और 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, इतना नमक डाल देती हूँ, इतना नमक मुझे ठीक लग रहा है। तब इसे मैं मिक्स करती हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये मेरा जो ग्रीन चिली पेस्ट है ये अभी बहुत फ्रीज किया हुआ था तो अभी बहुत कड़क है, अभी ये मेल्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, रूम टेम्परेचर में आ जाएगा।
देखिए ये इतना रनी टाइप है, तो अब मैं इसमें दूसरा अंडा नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर मैं दूसरा अंडा डालूंगी तो वो ज़्यादा रनी टाइप हो जाएगा, फिर मुझे उसमें और कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा, और इसमें भी मुझे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना ही पड़ेगा। और इसमें मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो मैंने नमक और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा और डाला है मैंने। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग इसमें रेड फूड कलर डाल सकते हो, बट मैं कलर नहीं डाल रही हूँ। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, चाहिए आप लोग रेड फूड कलर डाल सकते हो, बट वो ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे नहीं डालना है फूड कलर। देखिए ठीक है, इतना मुझे ठीक लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कॉर्नफ्लावर भी डालने की और ज़रूरत है। एक चम्मच मैंने बस डाल दिया, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हो गया। अच्छे से मिक्स करूँगी, देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब ये स्टिक को मैंने धो लिया अच्छे से, अब इसमें मैं यही डालूंगी। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, और मैंने इसमें नींबू भी डाला था, नींबू अगर आप लोगों को चाहिए तो नींबू डाल सकते हो, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा खट्टापन का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें डाला। इस तरीके से इस तरीके से डालेंगे, अभी स्टिक में तीन आराम से आ जाएंगे, बड़े रहेंगे तो सिर्फ दो आएंगे। ये चिकन स्ट्रिप मैंने कटवा लिए थे, हस्बैंड को कहा था चिकन स्ट्रिप पतला और लंबे में काटने के लिए बोल देना उनको, तो हस्बैंड ने वैसे ही बोला था और उन्होंने एग्जैक्ट वैसे ही काटा, लंबा और पतले में काटा, तो मैं इतना ले लूँगी, दो आराम से हो जाता है इसमें। अगर आप लोग को अंडा चाहिए तो आप लोग और अंडा डाल सकते हैं, बट इतना है कि वो अंडा रहेगा तो फिर कॉर्नफ्लोर थोड़ा ही डालिए, बट जब आप लोग थ्रेड चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा अच्छे से, बट मुझे और अंडा नहीं डालना था, इतना मुझे लगा ठीक है। अभी ये सारे चिकन को जो मैंने मैरिनेट किया था ये सब मैंने स्टिक में डाल दिया है, अभी मैं थोड़ा सा लूंगी। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी, कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें ऐसे दबा दूंगी कि ये चिपक जाए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा साइड में लेके, तुम ज़्यादा ही नहीं, जैसे ये ज़्यादा चिपक चुका है तो इसे थोड़ा सा निकाल दूंगी।
थोड़ा सा लग गया बस, ज्यादा नहीं। दबाएंगे तो ये चिपक जाएगा इसमें, और जब हम फ्राई करेंगे ये इतना अच्छा लगेगा, ये कुरकुरा सा। बस थोड़ा ही चीज डालेंगे, ज्यादा उसमें नहीं, इसे थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे। इतना सारा, उतने से चिकन में इतना सब स्टिक बन चुका है, और ऊपर से मैंने ये सब भी लगा दिया ये अच्छी तरीके से। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग अंडा मैरिनेशन के टाइम ज़्यादा डालिए और दबा दबा के स्टिक करें, मैंने थोड़ा कम डाला था। और ये जब हम फ्राई करेंगे, अभी चिपक जाएगा सर, अभी जब हम फ्राई करेंगे ऊपर से क्रिस्पी होगा, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है। तो ये सारा पूरा रेडी हो चुका है, और ये एक बचा हुआ है क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो चुका था समोसा शीट, तो ये ऐसे ही है, ऐसे ही मैं फ्राई करूँगी इसको।